कोरोना की जंग जीत कर 40 मरीज हुए पूरी तरह स्वस्थ। रीवा कलेक्टर एवं अन्य सामाजिक संगठनों के साथ साथ व्यापारियों ने कोरोना को मात देकर अपने घर को जाने वाले स्वस्थ लोगों को सम्मानित करते हुए उन्हें दवाइयों की किट एवं मास्क, सैनिटाइजर व इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद का काढ़ा भी वितरित किया गया। इतना ही नहीं, स्वयं कलेक्टर द्वारा स्वस्थ ही हुए मरीजों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। देश दुनिया में ही नहीं बल्कि रीवा में भी अत्यंत तेजी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया। वहीं बढ़ते संक्रमण को लेकर एक तरफ जहां शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा था, वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व चिकित्सक भी मरीजों की सेवा में दिन रात एक करके उन्हें इस महामारी से मुक्ति दिलाए जाने की हर नाकाम कोशिश में लगे रहे। इसी का परिणाम है कि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है। इसी का परिणाम है कि बुधवार को संजय गांधी अस्पताल में इलाज करा रहे लगभग 40 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घरों के लिए रवाना हुए हैं। कोरोना की जंग जीत कर अपने घरों को जाने वाले लोगों को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी व कोविड प्रभारी डॉक्टर नरेश बजाज के अलावा सामाजिक संगठनों समेत व्यापारियों ने कोविड से निजात पाने वाले लोगों को सम्मानित किया है। साथ ही उन्हें आवश्यक दवाइयां व अन्य खाने पीने की सामग्री भी वितरित की गई। स्वस्थ होकर अपने घरों को रवाना हो रहे लोगों से बात की गई तो सुनिए संक्रमण से मुक्ति पाने वाले लोगों का क्या कहना है। वहीं इस संबंध में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी समेत कोविड प्रभारी डॉक्टर नरेश बजाज से भी बात की गई। इन्होंने अस्पताल में संक्रमित मरीजों के लिए बनाई जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही कोरोना की जंग जीत कर अपने घरों को वापस लौट रहे लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। किया जा रहा है? हाँ, ये एक डॉक्टर है, रिटायर्ड डॉक्टर है, एस के श्रीवास्तव साहब है ना। उनका आइडिया था कि ना इस प्रकार की बहुत सारे जगह है ना, एक WHO के द्वारा भी ना इसको सजेस्ट किया गया था। तो हम लोगों ने कोशिश की कि इसको क्यों ना, मतलब हमारी मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे अटेंडेंस है ना आते हैं, तो उनको इमीडिएटली ना उनका ना ठीक कर सकते हैं, मतलब ना वेपरेशन के माध्यम से। सो रेड क्रॉस भी ना इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम धीरे धीरे ना, मतलब काफ़ी पब्लिक प्लेसेस में ना ये वेरी सिंपल है ना वेपरेशन सिस्टम है, इसको लगाने के ना प्रयास करेंगे। नगर निगम एरिया में, कुछ पुलिस स्टेशन्स में, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ऐसे काफ़ी प्लेसेस में इसके बाद इफेक्टिवनेस ना देखते हुए रहेंगे।